अब हम एक्सरसाइज 5.3 का 10th नंबर क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या बताया है कि an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। हमें इसमें AP में है ऐसा साबित करना है, तो इसमें बारी बारी से हम n की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि n जो है वो एक प्राकृतिक संख्या होती है जो हम गिनती की संख्या को कहते हैं। गिनती की संख्या 1 से शुरू होती है, तो बारी बारी से हम 1, 2, 3, 4 रख के देखेंगे। तो A1 कितना हो जाएगा, 9 माइनस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। A1 हमारा आया 4। फिर A2 इसी तरह से निकालेंगे, 9 माइनस 5 इंटू 2, 9 माइनस 5 टू 10 इज इक्वल टू माइनस 1। फिर A3 निकालेंगे तो 9 माइनस 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 माइनस 5 3 जा 15, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 6। इसलिए क्या हो गया, A1 हमारा आया 4, A2 आया माइनस 1, A3 आया माइनस 6। तो AP में लिखेंगे तो क्या होगा, 4 माइनस 1 माइनस 6 डॉट 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 ऐसे करके आते जाएगा। ये AP में है कि नहीं है साबित करना है, तो D निकाल लेते हैं। तो माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 आ गया। फिर डी निकालेंगे तो माइनस 6 माइनस माइनस 1 तो कितना होगा, माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 1 तो माइनस 5। चार बंतर समान है इसलिए एपी में होगा, एपी में है। ये हमारा हो गया प्रूफ्ड, हमारा ये एपी में ऐसा साबित हो गया। बोला है कि प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब S15 निकालना है। तो कैसे निकालेंगे S15, तो S15 इज इक्वल टू 15/2 प्लस 2A। एक वैल्यू कितना है हमें यहाँ 4, अब प्लस एन माइनस 1 तो 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से डी अभी निकाले हैं तो माइनस 5 आया, तो माइनस 5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 15/2 यहाँ क्या हो जाएगा, 4 2 8 प्लस 15 में से एक माइनस करेंगे तो 14 14 75, तो माइनस 70 हो गया। माइनस 70 में 8 माइनस होगा तो माइनस में 62 हो गया। इधर 15/2 दो से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 1 1 तो 15 इंटू माइनस में 31, तो 15 1 15 5 बाकी 1 15 43 46 माइनस में 465 योग आ गया।